अगर आप एक मैग्नेट को गर्म करोगे तो उसमें जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होगी, जो चुंबकीय प्रॉपर्टी होगी, वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और क्या आपको पता है, इंसान का नाक 50,000 अलग अलग खुशबुओं को याद रख सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे ही 15 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो अपलोड करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके शहर का नाम कितना बड़ा है? आपको पता है, दुनिया का सबसे लंबे नाम वाला जो शहर है उसके नाम में लगभग 85 अल्फाबेट्स हैं। दोस्तों, मैं इस नाम को वीडियो में डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए, मुझसे इतना लंबा नाम तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये शहर न्यूजीलैंड में स्थित है और वहाँ के रहने वाले लोग इतने बड़े नाम को बोलने से अच्छा उस शहर को टोमाटा हिल बोलना पसंद करते हैं। तो अब हम भी इसे टोमाटा हिल ही बुलाएंगे, है ना। आपको पता है, कबूतर के पंखों का वजन उसके शरीर के अंदर पूरे हड्डियों के वजन से भी ज़्यादा होता है। इंसान डायरेक्शंस देखने के लिए कंपास यूज़ करते हैं, पर क्या आपको पता है, हनी बीज यानी मधुमक्खियों के अंदर पहले से ही एक कंपास होता है, वह सूरज को देख करके कोई भी डायरेक्शंस नेविगेट कर सकती हैं। आपको क्या लगता है, इस दुनिया का सबसे फेमस नाम कौन सा होगा? दोस्तों, मोहम्मद इस दुनिया का सबसे फेमस नाम है, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों में एक ट्रेडिशन है, क्योंकि वह एक नए जन्मे बच्चे का नाम का सबसे पहला जो शब्द होता है वह मोहम्मद अपने पैगंबर के नाम पे रखते हैं। पता है, साउथ सूडान को इस दुनिया का सबसे जवान देश माना जाता है, क्योंकि साउथ सूडान नॉर्थ अफ्रीका में है और साउथ सूडान को सबसे बाद में इंडिपेंडेंस मिला 2011 में, तो इस वजह से साउथ सूडान इस दुनिया का सबसे यंग कंट्री है। शांत रहने वाले पांडा तो सबको पसंद होंगे, पर क्या आपको पता है, जितने भी पांडा दुनिया भर के जूज में दिखाई देते हैं, टेक्निकली वो सारे चाइना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जितने भी पांडाज हैं वो सारे चाइना गवर्नमेंट से लोन पर हैं। आपको क्या लगता है, दुनिया में हर सेकेंड कितने लोग मरते होंगे? दोस्तों, इस दुनिया में हर सेकेंड 2 लोगों की मौत हो जाती है, मतलब जितने मिनट की यह वीडियो है उससे आप 120 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि आपके यह वीडियो देखने तक कितने लोग दुनिया में मर चुके हैं। आपने बचपन में ए से जेड तक अल्फाबेट्स पढ़ा होगा, पर क्या आपको पता है, 300 BC में रोमन सेंसर ने जेड को अल्फाबेट से निकाल दिया था और एस को भी निकाल कर जी को जोड़ा गया था। जेड को निकालने का यह रीज़न था क्योंकि माना जाता था कि जेड हमेशा यूज नहीं होता, ज़्यादा करके जेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए उसे निकाल दिया गया था। जेड को वापस से अल्फाबेट में आने के लिए 200 साल लगे। कहते हैं, वाइन जितनी पुरानी होती है उसका नशा उतना ही ज़्यादा होता है। तो पता है आपको, इस दुनिया में सबसे पुरानी वाइन कितने साल पुरानी है? इस दुनिया की सबसे पुरानी वाइन एक रोमन टॉम्ब यानी एक मकबरे से खोजी गई है, जो कि 1650 साल पुरानी है। पता है, वीनस पे मेटल की बारिश होती है, और दो तरह के मेटल की बारिश होती है, गैलिना और बिस्मथनाइट। 1922 से लेकर आज तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए 290 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसमें से सबसे ज़्यादा मौतें एवलॉन्चेस की वजह से हुई हैं, और ऐसा माना जाता है कि सारी बॉडीज़ अभी तक रिकवर भी नहीं की गई हैं। शकीरा कोलंबिया की एक सिंगर, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और डांसर है, जो कि जब वो सेकेंड स्टैंडर्ड में थी तो गाना गाने के ग्रुप से उनकी टीचर ने यह कह कर के निकाल दिया था क्योंकि उनकी आवाज़ एक बकरी की तरह है। पर दोस्त, टैलेंट का कितना भी इंसल्ट हो, टैलेंट अपना रास्ता खोज ही लेता है। आपको पता है, अगर मैक्सिकन प्रिजनर्स भागने की कोशिश करें और उनका भागने का जो अटेम्प्ट हो वो नॉन वायलेंट हो, मतलब वो बिना किसी को चोट पहुंचाए वहां से भागने की कोशिश करें, तो उनको उसके लिए पनिश नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर ऐसा माना जाता है कि फ्रीडम पाना इंसानी नेचर है और इसे पनिश नहीं किया जाना चाहिए। 1927 में US गवर्नमेंट ने सेंटा क्लॉस के लिए एक पायलट लाइसेंस इशू किया था और उनको एयरवे के मैप्स भी दिया था, और साथ ही में यह प्रॉमिस किया था कि उनके लिए जो रनवे के लाइट्स हैं वो हमेशा ऑन रखेंगे। मैगपाई नाम की स्पीशीज इस दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट बर्ड स्पीशीज है, जो कि अपने आप को एक मिरर में देख करके पहचान सकती है।
क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर मरना गुनाह माना जाता है। अगर वहाँ पर किसी की मौत हो गई तो उसे कानूनी तौर पर गुनाह माना जाएगा। आने वाली अगली वीडियो में मैंने इन्हीं सारे फैक्ट्स के बारे में बताया है, तो उस वीडियो को अब ज़रूर देखिए।